जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह गलत बयानी कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर गांधीनगर के नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करा दिया गया। ललन जी, पिछले वर्ष चुनाव हुआ और 10% ओबीसी का आरक्षण देकर गांधीनगर नगर निकाय का चुनाव कराया गया। और इतना ही नहीं तो गुजरात की सरकार ने भी निर्णय लिया है कि नगर निकाय का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार झेवेरी कमीशन का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण देकर ही नगर निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि गुजरात के राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण हटाकर वहां के नगर निकाय का चुनाव कराया जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और झेवेरी कमीशन का गठन किया गया। तीसरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात को बदनाम करने की जो आपने कोशिश की, आपको क्षमा मांगना चाहिए गुजरात के अत पिछड़े समाज के लोगों से जिसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। और आपके बगल में झारखंड है जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सरकार में शामिल है। परसों झारखंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि ओबीसी का जो 14% आरक्षण था उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है और बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। नीतीश जी, अगर हिम्मत है तो आपके महागठबंधन की सरकार वहां भी चल रही है, हेमंत सरकार पर दबाव डालिए और अति पिछड़ों को आरक्षण देकर वहां चुनाव करवाइए। और बिहार के अंदर आपके कारण जो चुनाव स्थगित हुआ है, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर जल्द से जल्द चुनाव करें। जरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।